नमस्कार, एनबीसी न्यूज के खास पेशकश चुनावी महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। जी हां, आज हमारे साथ कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी नितिन कुंभलकर जी, जो अभी कांग्रेस सीट से दावेदार भी माने जा रहे हैं, वो आज हमारे स्टूडियो में। आज हम उनसे बात चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ सर। नमस्कार। जैसे ही कुछ ही पलों में आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता के बाद कांग्रेस की बिलिस जल्दी आने वाली है। और आपको बता दो कि बीजेपी की ओर से नितिन गडकरी क्या नाम दूसरे लिस्ट में आ चुका है, और कांग्रेस के दावेदारी में आगे कई उम्मीदवार चल रहे हैं, जिसमें एक नितिन कुंभलकर जी का भी नाम है। कैसे देख रहे हो, जहां बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, एक गद्दावर नेता जो विदर्भ के हैं, पूरे महाराष्ट्र के हैं नितिन गडकरी, और उनके खिलाफ लड़ने के लिए आप कांग्रेस के भी लड़ने के लिए हौसले की बहुत ज़रूरत होती है। और कांग्रेस का जो कल्चर है उसमें जो एक बातें आज बोली जा रही कि गडकरी जी के खिलाफ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। यहाँ बहुत लोग हैं जो बहुत ताकत से लड़ने वाले हैं, और उसमें से मैं एक हूँ जिसने कांग्रेस के पास निवेदन किया है कि मुझे उम्मीदवारी दी जाए, और मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। कांग्रेस के जितने भी तमाम हमारे साथी हैं, मैं कार्यकर्ता नहीं बोलता हूँ, जितने भी हमारा परिवार है, कांग्रेस परिवार नागपुर का ही नहीं तो काफ़ी जगह का आजू बाजू की डिस्ट्रिक्ट के भी लोग इसमें शामिल होंगे। और एक बहुत अच्छा ये जो चुनाव है, ये चुनाव नागपुर की जनता को एक बहुत अच्छा चुनाव आने वाले समय में दिखेगा। जी हाँ, जैसे कि कल आपने देखा कि बीजेपी की सेकंड लिस्ट आई थी, पहले लिस्ट में गडकरी के जरा नाम आगे पीछे हो रहा था, कई विवाद कई बयानबाजी चल रही थी। कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से उद्धव ठाकरे ने भी बोला था कि आप अपक्ष लड़िए, हम आपके साथ हैं, हमारे साथ आ जाइए, हम आपको महाविकास आघाड़ी चुन के देंगे। उसके बाद अभी गडकरी जी को जिस तरह से सेकंड लिस्ट में पहला नाम आया, फिर उसके बाद जिस तरह से नागपुर शहर में जल्लोष देखा गया, क्या लगता है गडकरी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना कितना आसान होगा या मुश्किल होगा? देखिए, सवाल ये है कि अगर कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ और पहले से मैं सोच लूँ कि वो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा, अगर वही पेपर जो है वो कठिन है ऐसा मैं सोचूं और उसके आगे जाऊँ, तो वो मानसिकता हारने वाली मानसिकता होती है। एंड हम लोग बहुत आश्वस्त और विश्वस्त है कि बिल्कुल भी कोई डरने की बात नहीं है। गडकरी जी रहे या कोई भी रहे, कांग्रेस पूरे एकजुटता के साथ में बहुत ताकत से यहाँ लड़ेगी, और इसका परिणाम आने वाले समय में सभी को दिखेगा। तो मैं खुद और हमारी कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हम गडकरी जी को एक बहुत अच्छी तरीके से एक उनके लिए उसके सामने एक चैलेंज रखेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। जी, जैसे कि आप जानते हो कि नागपुर हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रह चुका है लोकसभा क्षेत्र में, मगर 2014 की लहर के बाद जिस तरह से नागपुर का विभाजन बीजेपी की ओर हुआ है, तो क्या मानते हो कि क्या कमियां कांग्रेस में रह गई थी, तो जिस तरह से पिछले 10 साल में कांग्रेस नागपुर में नहीं जीत पाई? नहीं, ये सिर्फ नागपुर का ही सवाल नहीं है। 2014 के बाद में जो देश में एक बदलाव के बारे मीन्स एक हवा चली है, वो हवा का असर तो नागपुर में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, पूरे देश में हुआ है, ये सभी ने देखा है। और वो जो हवा चली है वो उसमें कहीं ना कहीं धर्म का बहुत बड़ा धर्मांधपना का बहुत बड़ा एक हाथ रहा है। उसके चलते बहुत सारे लोग उस चीज़ के भाव में बह गए। जो एक अन्ना का आंदोलन था, उसने एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट किया जो कि एक पूरी तरीके से झूठा नैरेटिव था, और उसमें इस देश की जो जनता है वो काफ़ी भोली भी है और होशियार भी है, पर भावनाओं में बह के उन्होंने उस समय जो निर्णय लिया, और वो उस समय नहीं, वो उसके बाद में भी अभी चल ही रहा है। बट अब मैं ये सोचता हूँ कि वो जो एक भावना वाला जो एक ये था, तो जब आपको बहुत सी चीज़ों की सच्चाई पता चलती है, जब आपको बहुत सी चीज़ों की वजह से तकलीफ होती है डे टू डे ज़िंदगी में आपके, तो कहीं ना कहीं आदमी सोचने पर मजबूर होता है कि हमने लिया हुआ स्टैंड सही था या गलत था। मुझे ऐसा लगता है कि आज जनता जान चुकी है पिछले 10 साल का जो अनुभव है इसमें कि नहीं, हमारी शायद गलती हुई है, और ये गलती को ये जो लोकसभा की चुनाव है इसमें जनता, मुझे विश्वास है कि उसका एहसास करके इस बार वोटिंग करेगी। जी हाँ, और पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस शहर के विकास के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह का विकास हुआ है या नहीं हो पाया है?
देखिए, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा ये बहुत अच्छे से मानना है कि एक ग्रोथ जो होती है ना, ग्रोथ बहुत अलग अलग तरीके की होती है और उसमें आप देखेंगे शहर में एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट आप जिसको बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ग्रोथ हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जो ग्रोथ होती है ना, वो कोई भी जो पूरा ग्रोथ होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है और उस ग्रोथ से यहाँ के सामान्य आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। आज देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, ठीक है मेट्रो आई है, जो भी कांग्रेस ने दी है ये तो आज श्रेय ले रही है क्योंकि इनके जमाने में वो कार्यान्वित हुई है, पर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है शहर में? आप रास्तों पे चलोगे तो कौन सा ऐसा रास्ता है जो रास्ते पे आपका गाड़ी 2 किलोमीटर भी बिना गड्ढे का या धक्के का चलेगा? तो रोडगरी एक तरी बोला जाता है गडकरी जी को। और नागपुर के शहरों की या शहर के रास्तों की अगर आप हालत देखोगे, कॉरपोरेशन में भी लंबे अरसे से उनकी सरकार रही है, तो नागपुर के रस्तों के हाल, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं नागपुर की जनता के, जिसको अगर आप अच्छा गहराई से देखोगे तो नागपुर की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। ये डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट से उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई है, क्योंकि जिंदगी आसान होना डेवलपमेंट का अर्थ ये होता है कि डेवलपमेंट से उस व्यक्ति के, वहाँ रहने वाले लोगों के जिंदगी में आपने कितना बदलाव किया है, चाहे वो रोजगार के माध्यम से रहे, अलग अलग उनको सुविधाओं के माध्यम से रहे। सुविधा कहाँ है नागपुर में? मार्केट्स कहाँ है? अगर आप सब्जी भाजी लेने जाते हो तो आपको दिखेगा रस्ते पे लोग रस्ते भी हैं, ज़्यादातर तो मार्केट रस्ते भी हैं। तो ऐसे एक नहीं अनेक समस्या है जिसके तरफ मुझे नहीं लगता पिछले 10 साल में उस तरीके से फोकस किया गया जिस तरीके से होना चाहिए था। जी, अगर आपको टिकट मिलती है तो आपके विशेष मुद्दे क्या रहेंगे नागपुर के विकास के लिए, नागपुर लोकसभा के? बहुत सारे मुद्दे हैं और जो पीपल सेंट्रिक रहेंगे, यानी लोगों लोगाभिमुख रहेंगे, लोगों के काम के रहेंगे। और आज मैं उन मुद्दों के बारे में बोलना इसलिए नहीं चाहूँगा कि जब एक बार टिकट मिल जाएंगी तो मैं उसको ऑफिशियली अनाउंस करूँगा कि मेरा नागपुर के प्रति विजन क्या है, ये बहुत अर्ली होगा मैंने आज उस बारे में कुछ बोलना। बीते कुछ दिनों में चाहे वो महाराष्ट्र कांग्रेस हो या फिर नागपुर कांग्रेस हो, पहले तो अपन नागपुर कांग्रेस की बात करेंगे। नागपुर कांग्रेस में अंतर ही कलह बहुत दिखा है, कांग्रेस के ही कांग्रेस में कई गुट्स बने हुए हैं। तो इलेक्शन लड़ना 2014 का भी यहाँ पे आ चुका है, 24 में अपन आज बैठे हैं, तो इस तरह से कांग्रेस के ही अंतरिक कलह का क्या असर देखने को मिलेगा? मैं इसको अंतर्गत कलह नहीं बोलूँगा। देखिए, जहाँ मतभेद होते हैं, मनभेद तो है नहीं, जहाँ मतभेद होते हैं और जहाँ स्पर्धा है मतभेद वहीं होते हैं। तो इसको मैं अंतर्गत कलह बोलने की बजाय ये जिंदा होने की निशानी है कि भैया हम लड़ रहे हैं, लड़ रहे मीन्स उस तरीके से नहीं लड़ रहे, वो कहीं ना कहीं उसमें पार्टी को एक ताकत ही मिलती है और ये जिंदा रहने का, मेरे हिसाब से एक जिंदा रहने का एक सबूत है कि पार्टी जिंदा है। बस ऐसा है कि अब जैसा ये चुनाव है, चुनाव के समय में मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में, चुनाव के समय पार्टी के सभी परिवारजन, नेता परिवार के सदस्य नहीं जिनको कार्यकर्ता बोलते हो, ये सब लोग मिलके बहुत अच्छे से एकजुट होके, ये जो बीजेपी नाम का, मैं इसको फासिस्ट पार्टी बोलता हूँ, अभी तो ये बीजेपी भी बची नहीं, भ्रष्टाचार जनता पार्टी हो गई है, इसके खिलाफ हम ताकत से लड़ेंगे और इसके परिणाम तो दिखेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से अध्यक्षता को लेकर काफ़ी कांग्रेस के ही कई लोगों ने उन पर आरोप किए कि जैसे कि बड़े नेता थे अशोक चौहान जी जिनका बीजेपी प्रवेश हो गया, और कई उम्मीदवार विधानसभा के पहले बीजेपी प्रवेश करने वाले, ऐसी बातें चल रही है, और कहीं कांग्रेस के नेतृत्व ही कह रहा है कि हमारा नेतृत्व ठीक नहीं है, कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं, कई आरोप हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस विषय में आप? प्रदेश अध्यक्ष जी के विषय में मैं वो उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सी बातें जो होती है वो बातें फैलाई जाती है, सच्चाई कुछ और होती है। वो मगर आपके कांग्रेस के ही कुछ नेता खुल के आगे आके विरोध करते हैं, कभी कैमरे में करते हैं, कभी लोगों में करते हैं। हर एक के अपने एस्पिरेशंस होते हैं, हर एक का अपना कुछ एजेंडा होता है, हर किसी को लगता है कि मैं कुछ बनूं, और उसके चलते वो जो पब्लिक डोमेन में बातें नहीं बोलनी चाहिए वो बोल देते हैं। और बाकी रही आपने जो कहा कि कुछ MLA इधर जाने वाले, अशोक चौहान जी BJP में चले गए, तो गुवाहाटी में क्या हुआ जब ये सरकार बदली पलटी गई, तब क्या हुआ, उसके कारण क्या थे? तो वही कारण जो है वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हो चुकी है,
जितने इस देश के जो भी राज्य के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे जिनके ऊपर इन्होंने आरोप किया, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के रहे या कहीं के भी रहे, वो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा वो भाजपाई बन के भाजपा में प्रवेश करता है, उतना बड़ा गर्मजोशी से उसका स्वागत होता है। तो ये भी तो पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है जी। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि पूरे 300 400 का नारा जिस तरह से बीजेपी लगा रही है, क्या लगता है कि 400 इस बार 400 पार एक बीजेपी की तरफ से कैंपेनिंग नजर आ रही है, उसी तरह से कांग्रेस में भी कुछ इस तरह की कैंपेनिंग चालू है? नहीं, कांग्रेस की कैंपेनिंग चालू है कि नहीं ये तो कभी ऐसा पब्लिक डोमेन में या कहीं मीडिया में तो इस तरीके से आया नहीं 400 पार वगैरह वाला। और ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात तो है नहीं, कांग्रेस ने 400 पार इसके पहले भी की है, पर इस तरीके का अहंकार कभी नहीं दिखा जैसा इसके पहले आपने देखा होगा। 2004 के पहले इंडिया शाइनिंग इस तरीके का एक बहुत जोर से प्रचार हुआ, और उसके बाद में वो जब इंडिया शाइनिंग का प्रचार हुआ उसके बाद में कांग्रेस यूपीए सरकार बनी है। तो इस बार भी जो ये है ये अहंकारी स्टेटमेंट है, इस बार 400 पार। हमेशा वो आंकड़े बोलते हैं और पार करते हैं, कैसे पार करते हैं इस बार तो नहीं कर पाएंगे, पर वो उनका अहंकार है जो 400 पार बोलना, एक नैरेटिव क्रिएट करना लोगों के मन में तो बहुत कुछ अलग है अभी जी। महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में और नागपुर में आपको क्या फायदा मिलेगा ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, जब होता क्या है कि जब डिवीजन ऑफ वोट होता है तब बीजेपी को फायदा होता है जी। और यहाँ पे अगर हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो और वोट एक साथ जब इकट्ठे होंगे तब उसका फायदा कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार या महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार रहेगा उसको 100% हर जगह होगा, तो उसका तो फायदा ही होगा, उससे बीजेपी का नुकसान है। कि कितना डिफरेंस नागपुर में आप इस बार देखना चाहोगे विनिंग सीट के ऊपर? ये तो समय के साथ जैसा जैसा चुनाव आगे जाएगा दिखेगा, पर मैं इस बारे में बहुत आश्वस्त हूँ कि इस बार बीजेपी का सिर्फ नागपुर में नहीं तो महाराष्ट्र में भी एक बहुत अलग उनको रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। और नागपुर में भी गडकरी जी ने जो भी है, जो एक उनका नैरेटिव बना है, ये नैरेटिव इस बार उनका पक्का टूटेगा। जाते जाते एक सवाल नागपुर और पूरे भारत के लिए, नागपुर में कांग्रेस की सीट निकलने की कितनी गारंटी आपको लग रही है, और दूसरा पूरे भारत में कितने एनडीए सरकार को कितनी सीटों में अभी रहना पड़ेगा? देखिए, नागपुर का तो मैं बोल सकता हूँ, पूरे भारत में उसका मेरे पास अभी तो सर्वे है नहीं, बट जिस तरीके का वातावरण देश में हुआ है, अब अगर पर्टिकुलरली नागपुर की बात करेंगे तो नागपुर में तो जैसा आपने देखा है पिछले 10 साल में, सिर्फ नागपुर का विषय नहीं पूरे देश में पिछले 10 साल में जो एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की गई, धर्मांध लोगों को बनाया गया, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात की गई। अभी पिछले संडे को अनंत कुमार हेगड़े करके जो बीजेपी के सांसद है कर्नाटक के, उन्होंने 400 से ज़्यादा इसलिए सीटें चाहिए कि ताकि हमको संविधान बदलना है। संविधान बदलने की जो बात है वो संविधान बदलने की बात आज थोड़ी ना हो रही है, आरएसएस का बीजेपी का वो पहले से मूल एजेंडा रहा है। और संविधान नागपुर पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा, नागपुर अगर संघभूमि है तो नागपुर तो दीक्षाभूमि भी है, तो नागपुर में इस बार अगर संघभूमि वर्सेस दीक्षाभूमि इस तरीके का एक चित्र खड़ा हो गया और उसमें सभी समाज के अगर तबकों ने कांग्रेस का साथ दे दिया, जो मुझे लगता है कि देगी, तो फिर गडकरी जी रहे कोई भी रहे, उनको हारना, उनकी हार को मैं निश्चित तरीके से देख रहा हूँ। सीए और राम मंदिर का फायदा कितना मिलेगा बीजेपी को आपको लगता है एनडीए को? ये तो आने वाला जिस तरह से राम मंदिर की स्थापना उन्होंने जल्दी जल्दी कर दी, उसके बाद अभी सीए भी लागू हो गया है, तो किस नजर लोगों को क्या आप आह्वान करना चाहते हो इस मुद्दे को? जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो उन्होंने एक बड़ा एक जलसा एक पूरे देश भर में बीजेपी की तरफ से मनाया गया, उसके लिए फंडिंग की गई, हर हर विधानसभा हर लोकसभा क्षेत्र में पैसा आया, स्पॉन्सर्ड था पूरा, ये सभी जानते हैं। और उसकी जो हड़बड़ाहट थी इसको जल्दी करना, जबकि मंदिर का निर्माण अभी और 2 साल तक पूरा नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं उनका एक इनसिक्योरिटी उनकी दर्शाती है। सीए का अचानक लागू कर देना ये भी उनकी एक इनसिक्योरिटी, ताकि कंसोलिडेशन ऑफ वोट हो और इसमें से उनको फायदा हो, पर मुझे नहीं लगता इसका फायदा उनको हो पाएगा। जाते जाते आपको मैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। हमारे साथ आज मौजूद थे कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी नितिन कुंभलकर जी और
लोकसभा 2024 के एक नामांकित उम्मीदवार जो अभी हाल ही में बीजेपी की लिस्ट जाहिर हुई थी और कांग्रेस की लिस्ट भी अभी जल्दी आने वाली है और इनका भी नाम उस इसमें चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर हम चुनावी महासंग्राम में आपके साथ आते रहेंगे, तब तक आप बने रहे। तब तक धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आप बने रहे इन विषय के साथ। नमस्कार।